आज हम बीएससी पार्ट वन फिजिकल केमिस्ट्री गैसेस 3 करेंगे। इसमें है गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण। पिछली बार हमने देखा था कि जो रियल गैसेस हैं वो चार्ल्स लो, बॉयल्स लो या फिर एवोगैड्रोस लो को फॉलो नहीं करती हैं, तो ये आदर्श गैस समीकरण को भी फॉलो नहीं करती हैं स्ट्रिक्टली। तो इसका क्या कारण है कि वो आदर्श व्यवहार से विचलन शो करती हैं, इसके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले हमने आदर्श व्यवहार गैसेस के लिए जो कहा था, जो हमने हाइपोथेसिस ली थी, उस पर हमने ये कहा था कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में न तो कोई आकर्षण होता है ना ही कोई प्रतिकर्षण होता है, उनकी टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्त होती हैं। लेकिन वास्तविक गैसों के लिए ये तथ्य सही नहीं है, क्योंकि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट देखें जिसे जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इसमें क्या है कि दो पिस्टन हैं, ये पिस्टन 1 है और ये पिस्टन 2 है, और यहाँ पर दो वॉल्स ऐसी हैं कि जहाँ से कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है एटमॉस्फेयर के साथ, और यहाँ पे एक सरंध्र दीवार है, एक गैस भरी हुई है जो कि P1V1 प्रेशर पर है, और यहाँ पर थर्मोमीटर लगे हैं इसके टेम्परेचर को मीज़र करने के लिए। तो जब हम इस गैस को जो है पुश करते हैं, तो पुश करने से क्या है कि यहाँ पे संपीड़न होता है, जब ये गैस यहाँ पे निकलती है तो इसका जो है आयतन बढ़ेगा। तो जब हम इस गैस का यहाँ पे हम टेम्परेचर नोट करते हैं T1, तो जब इस गैस को इस सरंध्र दीवार में से पास करते हैं प्रेशर लगा के, तो यहाँ पर जब इसका ये P2 जो है हमारे पास पिस्टन है खींच सकता है, और यहाँ पे इसका आयतन बढ़कर क्या हो जाता है V2 होता है। जब हम यहाँ थर्मामीटर से देखते हैं तो अगर ये गैस आदर्श गैस है और इसके अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण नहीं है, तो जब ये गैस का आयतन बढ़ेगा तो फिर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि आकर्षण है ही नहीं अणुओं के बीच में। लेकिन हमने देखा कि ये जो टेम्परेचर है ये ड्रॉप होता है या कुछ केसेस में इंक्रीज होता है। तो जब ये टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इसका टेम्परेचर का मान कम होता है, इसका मतलब गैस के जो अणु हैं उनमें कुछ ना कुछ आकर्षण बल था। तो जब ये आकर्षण बल था, जब ये गैस फैली, तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध गैस को कुछ कार्य करना पड़ा, और क्योंकि ये पूरा दुर्दोषम है सिस्टम, तो इस कार्य करने के लिए बाहर से तो कोई ऊष्मा मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब जब इस गैस ये गैस फैली और इसको अपने आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, तो वो कार्य करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता थी, ऊष्मा की आवश्यकता थी, वो उसकी आंतरिक ऊर्जा से ही ली गई, क्योंकि बाहर से नहीं मिल रही है ऊष्मा। तो जब आंतरिक ऊर्जा इससे उसकी कम हुई, आंतरिक ऊर्जा हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, यानी जब आंतरिक ऊर्जा का मान कम हुआ तो उसका ताप भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो गैस कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये गैस ठंडी तभी होगी जब अणुओं के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल उपस्थित था। इसका मतलब जो हमारी पहली हाइपोथीसिस थी कि गैस के अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षक नहीं होता है, और वास्तविक गैसों के अंदर हमने देखा है कि कोई ना कोई आकर्षण होता है, इसी वजह से जूल थॉम्सन जो है एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर जो है गैस का जो ताप है वो कम हो जाता है, ये भी आंतरिक बलों आकर्षण बलों के उपस्थिति का परिचायक है। दूसरा ये कि जो वास्तविक गैसें हैं उनको हम द्रवीकृत कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर ला सकते हैं। जैसे हम जो हमारे गैस सिलेंडर है उसके अंदर जो है गैस, वो भी लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं। नाइट्रोजन का द्रवीकरण किया जा सकता है, हाइड्रोजन का द्रवीकरण किया जा सकता है। इनके द्रव्यमान के टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होते हैं, माइनस में होते हैं, -70 डिग्री, -80 डिग्री, लेकिन ये द्रवीकृत होती हैं। तो ये द्रवीकृत तभी हो सकती हैं जब इसके अंदर कोई ना कोई जो है आकर्षण बल अणुओं के बीच में हो। तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक गैसों के अंदर कोई ना कोई अंतरा अणु जो है आंतरिक जो बल है वो उपस्थित होते हैं, आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, जो कि हमने आदर्श गैसों के केस में देखा था नहीं होते हैं। दूसरा जो बी पॉइंट है, ये हमने कहा था कि जो गैस है उसके अणुओं का आयतन पूरे गैस की तुलना में नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन वास्तविक गैसों में ऐसा कुछ नहीं होता है। वास्तविक गैसों में लगभग जो है 0.14% जो है अणुओं का आकर्षण, अणु जो है वो स्थान घेरते हैं। तो वास्तविक गैसों में एक अणु का जो आयतन है वो पूर्णतः गैस, दूसरी गैस के, पूरी गैस के तुलना में नेग्लिजिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ जो है आयतन का मान होता है। तो इस तरह से ये दो कारण हैं जिसकी वजह से, एक तो अंतरा आणविक बलों की उपस्थिति, आकर्षण बलों की उपस्थिति, दूसरा कि जो गैस का जो आयतन है वो हमने कहा था नगण्य होता है, नगण्य नहीं होता है। इन दो कारणों की वजह से जो आदर्श गैस है वो वास्तविक व्यवहार से, जो वो वास्तविक गैस है आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। गैस वास्तविक
गैस के अणुओं का आयतन पूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता। अब इन कमियों को दूर करने के लिए जो है ये जो दो है किसका मतलब कि जो आदर्श वास्तविक गैसें हैं उनके लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी जो समीकरण हमने करी थी वो वास्तविक गैसों के लिए प्रयुक्त नहीं होती है। इसमें कुछ ना कुछ हमें करेक्शन करने की ज़रूरत होगी वास्तविक गैसों के लिए। तो वास्तविक गैसों के लिए जो गैस समीकरण यूज़ होती है वो होती है वंडरवाल गैस समीकरण। वंडरवाल गैस समीकरण की स्थापना के लिए हमें दो तरह के करेक्शंस करने पड़ेंगे, एक तो जो प्रेशर था इसमें करेक्शन करना पड़ेगा और एक आयतन जो है इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये कहा है कि आयतन जो अणुओं का आयतन है पूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता। तो सबसे पहले हम लेंगे आयतन संशोधन। आयतन संशोधन में हम इसको कंसीडर करेंगे, हमने कहा है कि जो गैस है उसका जो है मान लीजिए ये एक अणु है और इसकी त्रिज्या क्या है R है। तो अगर हम ये सोचें कि जो गैस का एक अणु है अगर इसका भी आयतन कुछ ना कुछ है तो जो उसका कंप्रेसिबल आयतन था वो आयतन जिसको हम जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं गैस का वो कुल गैस के अणु मान लीजिए पूरी गैस का आयतन V है। तो अगर हम आदर्श गैस की बात करते हैं तो हम कहते हैं उसके किसी भी अणु का आयतन नगण्य है। तो अगर नगण्य है तो उसको कितना संपीड़ित किया जा सकता है या हम उसको कितना एक्सपेंड कर सकते हैं V के तुल्य। लेकिन अगर पूरी गैस के अंदर इन अणुओं का आयतन भी कुछ ना कुछ होगा तो हमें पूरे आयतन में से इन अणुओं का आयतन माइनस करना पड़ेगा। केवल उतने ही आयतन के अंदर गैस को हम संपीड़ित कर सकते हैं या फिर हम उस गैस को जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। तो अब इन अणुओं का आयतन हमें निकालना पड़ेगा। इन अणुओं के आयतन को हम कहते हैं वर्जित आयतन और इसको पूरे आयतन में से अगर हम माइनस कर देंगे तो उतने आयतन में ही किसी गैस को कंप्रेस किया जा सकता है या फिर हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम ऐसे सोचें तो जो अणुओं का आयतन निकाल लें टोटल और उसको वी में से माइनस कर दें, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि जब दो अणु आपस में टकराते हैं, ये जो जब दो अणु आपस में टकराएंगे तो ये 2R जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के अंदर गैस को संपीड़ित नहीं कर सकता। कम से कम इतने डिस्टेंस पे तो वो रहेंगे ही रहेंगे, 2R डिस्टेंस पे तो रहेंगे ही रहेंगे। तो प्रैक्टिकली जो एक अणु का जो आयतन है हमने वो R त्रिज्या का माना था, वो R ना होके लगभग जो इसका इफेक्टिव आयतन है वो 2R के तुल्य होता है। तो यानी जो हम ये मानते थे कि एक अणु का आयतन वो होगा 4/3 πr³ जबकि उसका इफेक्टिव आयतन वो इतना नहीं होके वो होएगा 4/3 π² यानी जो इस एक अणु का आयतन है उससे 8 गुना। यानी जो वर्जित आयतन है वो एक अणु के आयतन का कितना होता है 8 times होता है। और इस अगर हमारे पास n मोल्स हैं तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वर्जित आयतन के लिए हमारे पास फैक्टर b होता है वो होता है 8 × एक अणु का आयतन और × n। अब क्योंकि ये जो आयतन है ये दो कॉमन मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि ये दो आयन जो है मॉलिक्यूल शेयर कर रहे हैं इस आयतन को, तो इसलिए ए पर मॉलिक्यूल जो है वो 4 गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 × एक अणु का आयतन × एन, एन यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर है, इसको बी से शो करते हैं तो ये एक मोल का जो है हो जाएगा अपने पास आयतन। इसे हम क्या कहते हैं वर्जित आयतन। यानी जो गैस इक्वेशन है वहाँ पर हम V जो आयतन था V आयतन के जगह हम रखेंगे V-B, ये इफेक्टिव है आयतन।
और यदि एक मोल हो तो हमारे पास V की जगह हो जाएगा V माइनस एन बी, यानी जो पी वी इक्वल टू एन आर टी समीकरण है उसमें हम V की जगह रखेंगे V माइनस एन बी। बी है एक मोल गैस के जो है अणुओं का वर्जित आयतन, और जब n मोल लिए हैं तो वो V माइनस एन बी हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा संशोधन है वो हमारे पास है दाब संशोधन। ये गैस के अंतर जो हमने जो दो कमियां बताई थी, अंतर आयनिक जो है आकर्षण बल, अगर हम देखें कि आदर्श गैस, आदर्श दाब कैसे प्रोड्यूस होता है कि जब कोई भी जो गैस है किसी कंटेनर में बंद है, जब इसके अणु गैस की दीवारों को जो है जो पात्र है उसकी दीवारों पर टक्कर करते हैं, यानी उसको धक्का देते हैं, बल लगाते हैं, तो उस प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। गैस के जो आदर्श गैस है उसके अणु में न तो कोई आकर्षण होता न प्रतिकर्षण, तो वो पूरे उससे जो है जिस वेग से गति करती है उस वेग से उसके ऊपर बल लगाती है, यानी उतना ही दाब प्रोड्यूस होता है। लेकिन वास्तविक गैसों में क्या होता है कि यहाँ पर कोई अणु है मान लीजिए, अब क्योंकि हमने क्या है इसके चारों तरफ भी अणु होंगे तो, और इनमें आकर्षण भी है, तो ये इसको क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अब इस तरफ तो अणु नहीं है लेकिन इस तरफ अणु है, तो इसका मतलब इसके जो पात्र की दीवारों पर जो अणु टकराते हैं उसमें एक नेट आकर्षण बल लगता है इस तरफ की, जबकि आदर्श गैस में ऐसा नहीं होता है। तो जिस बल से ये टक्कर करता है इससे, उस जब एक आदर्श गैस पे नेट आकर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा तो जो इफेक्टिव बल इसके ऊपर लगने वाला है वो कैसा हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, और ये जो दाब है इसकी वैल्यू भी पहले से कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसलिए जो है नेट आकर्षण बल की वजह से जो पात्र की दीवारों पर अणु टकराता है उस पर एक नेट आकर्षण बल लगने की वजह से इसमें दाब संशोधन हमें करना पड़ता है। अब जो है दाब का जो संशोधित दाब है, दाब संशोधन, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा अणु होंगे उतना ही दाब में संशोधन होगा, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में जितने ज़्यादा अणु होंगे उतना ही उसके ऊपर नेट आकर्षण बल लगेगा। तो ये जो दाब संशोधन है ये किसके समानुपाती होगा, प्रति इकाई आयतन। ये जो दाब है दो बातों पर निर्भर करेगा, एक तो इस बात पर कि कितनी टक्करें कर रहे हैं, तो वो जितनी टक्कर करते हैं वो भी एन बटे वी के समानुपाती होता है, और कितना नेट आकर्षण बल पीछे की तरफ लगता है वो भी एन बटे वी के समानुपाती होता है। तो इसलिए जो दाब संशोधन है वो एन बटे वी के समानुपाती इस तरह से होगा, और ये होगा एन स्केयर बटे वी स्केयर। तो अब अगर हम दाब में संशोधन करें तो जो पी वी इक्वल टू एन आर टी है उसमें दाब कितना होगा, एन स्केयर बटे वी स्केयर, और इसमें एक समानुपाती जब हम इस निशान लगाएंगे तो यहाँ पे एक आएगा ए, यहाँ पर इसको हम कहते हैं गैस स्थिरांक। यहाँ पर भी बी जो है हमने वर्जित आयतन जो बी लिया था ये भी गैस स्थिरांक है, तो ये दो गैस स्थिरांक होते हैं ए और बी। तो अब हम जब इक्वेशन लेंगे जो आदर्श गैस के लिए थी वो थी हमारे पास पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो हमने जब संशोधित दाब लिया तो वंडरवाल समीकरण होगी, पी की जगह हम रखेंगे पी प्लस ए एन स्केयर अपॉन वी स्केयर, और वी की जगह हमने जो संशोधित करके आयतन लिया है वी माइनस एन बी, तो यहाँ पे हम लेंगे वी माइनस एन बी और इक्वल टू एन आर टी। तो ये जो समीकरण है ये हमारे पास आई है वास्तविक गैसों के लिए, जो दो इसके अंदर कमियाँ थी वो हमने इसमें सुधार के इस गैस समीकरण को बना दिया है। और यदि एक मोल गैस हो तो ये हो जाएगा P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस बी इक्वल टू आर टी। यहाँ पर A और B जो स्थिरांक हैं ये गैस स्थिरांक कहलाते हैं, और ये प्रत्येक गैस के जो है नेचर पे डिपेंड करते हैं, किसी एक गैस के लिए इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर हम अलग अलग गैसेस लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगी। तो ये हमने जो है वंडरवाल गैस इक्वेशन जो है लिख ली है, और इस गैस समीकरण को आपको एज इट इज़ याद करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं गैस इक्वेशन पे डायरेक्ट आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है आदर्श गैस वंडरवाल गैस समीकरण वास्तविक गैसों के लिए जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट यूनिट के अंदर जो है हम देखेंगे कैसे वंडरवाल गैस इक्वेशन जो है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर जो है अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे उसकी वैल्यूज़ ली जा सकती हैं।